सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे और प्रॉफिट बना रहे होंगे। तो अभी प्री ओपन मार्केट सेशन चल रहा है, चल के देखते हैं, अपना सेटअप वगैरह ऑन करते हैं, कहाँ पर आज का मार्केट खुलने वाला है। और दोस्तों, आज का मार्केट खुल रहा है हमारा 19,605 पे, यानी कि 27 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है। यहाँ पर देख सकते हो 27 पॉइंट लिखा आ रहा है। तो कल बहुत ही बढ़िया रैली दी थी इसने और आज मार्केट गैप डाउन खुला है, और छोटा सा ही गैप डाउन है। तो ज़्यादा बड़ा होता तो फिर समझ में आता कि मार्केट डाउन साइड जा सकता है, लेकिन देखेंगे किस हिसाब से मार्केट आज काम करता है। कल बहुत ही तगड़े वाले बायर एक्टिव हुए थे, तो इतने छोटे गैप डाउन से उन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों, फर्स्ट ट्रेड मैं अपना कंप्लीट कर चुका हूँ, जहाँ पर मैं बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी लेके गया। कुल 1800 क्वांटिटी मैंने ली है और उसको कितने पॉइंट मैंने वहाँ पे बुक किए और क्या लॉजिक है ट्रेड का, चलिए समझते हैं चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हो 13,000 प्लस हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है फर्स्ट ट्रेड में, और इसका मैं ऑर्डर बुक भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो ओपन और हाई उसका ऑलमोस्ट सेम है ना, और उसी के साथ साथ वो नीचे जाने लगा। तो जैसे ही उसने फर्स्ट कैंडल अपना कंप्लीट किया और नेक्स्ट कैंडल इसका 19,600 के नीचे निकलने लगा, तो रनिंग कैंडल में ही मैंने ट्रेड ले लिया और देख सकते हो थोड़ा नीचे गया, जहाँ पर मैंने प्रॉफिट को बुक कर लिया। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैंने कितने पॉइंट इसमें बुक किए हैं। कुल 1800 क्वांटिटी थी और यहाँ पर 9:20:48 पे मैंने लिया और 9:21:30 पे इसको सेल कर दिया, तो लगभग 64 पे लिया और 71 पे बेच दिया और अपना 13,000 प्लस प्रॉफिट बुक हो गया एक छोटी सी क्वांटिटी में। और काफ़ी लोग ये कहेंगे कि क्या डर लग रहा था कि मतलब 1800 क्वांटिटी लेके चले गए, तो भाई डर था इस वाले ट्रेड में, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली है। क्योंकि जब डर नहीं रहता है और कॉन्फिडेंस रहता है तो फुल क्वांटिटी लेके जाता हूँ, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस उतना नहीं था तो इसलिए 1800 क्वांटिटी से जो मोमेंटम हो रहा था उसको कैप्चर कर लिया। और इस ट्रेड में डर क्यों था इतना आप सभी जानते हो, प्रीवियस डे देखोगे तो बहुत ही तकड़े वाले जो है बायर एक्टिव हुए थे और काफ़ी मार्केट को ऊपर ले गए थे सेकंड हाफ में, और मार्केट ओपन होने के 5 मिनट बाद ही मैं पुट साइड ट्रेड ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं डर तो रहेगा उसमें, है ना, कहीं से भी वो वापस बाउंस बैक मार सकता है। तो बस यही कारण था कम क्वांटिटी लेने का। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 10:36 और आज का अभी तक मेरा जो प्रॉफिट गया है बहुत बढ़िया गया है, जबकि आज मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी से काम किया है। मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाऊंगा तो आपको यकीन आएगा, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था इस वजह से मैं कम क्वांटिटी से काम कर रहा था, और कम क्वांटिटी से काम करके भी बड़ा प्रॉफिट बनाया मैंने। देख सकते हो 10:38 हो रहे हैं और यहाँ पर मेरा जो प्रॉफिट हुआ है वो पी साइड हुआ है। 19,600 के पी में मैंने प्रॉफिट बनाया और 19,550 के पी में मैंने प्रॉफिट बनाया। मैंने एक ट्रेड सी साइड भी लिया था जिसमें मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया था। तो सी में ट्रेड लेने का लॉजिक सिंपल सा था, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये जब इसने एक स्विंग बनाया था यहाँ पर, तो जैसे ही नीचे जाके इस स्विंग को ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पर सी बाई कर लिया था, थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट गया, लेकिन जैसे ही एकदम से पलटने लगा मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट उसको एग्जिट कर दिया। और जब इसने अपने डे लो को क्रॉस किया यहाँ से, ये वाले कैंडल पे डे लो को क्रॉस करके क्लोजिंग नीचे दे दी, तभी मैंने यहाँ पर पीई बाई किया और बार बार पीई बाई किया, वहाँ पर थोड़े थोड़े पॉइंट बुक किए 1800 क्वांटिटी से, और मार्केट 19,500 तक गया और यहाँ तक मैंने प्रॉफिट अपना बनाया ये। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना ऑर्डर बुक। तो यहाँ पर देख सकते हो 1800 क्वांटिटी बाई की, 70 पे 75 पे भेज दी, ठीक है। फिर यहाँ पे 1800 क्वांटिटी 60 पे बाई की, 65 पे बेच दी, 5-5 पॉइंट मैंने यहाँ पे बुक किए हैं। फिर यहाँ पे 1800 क्वांटिटी मैंने ली 48 पे ली, 53 पे बेच दी, और इसके बाद 1800 क्वांटिटी यहाँ पे ली 74 पे ली, 91 पे बेच दी। ये मैंने सबसे ज़्यादा मतलब इसमें पॉइंट बुक किए हैं इस वाले में। और यहाँ पर टाइम भी देखते रहना, बहुत ही कम सेकेंड में मैंने इनको एग्जीक्यूट किया, मतलब एंट्री ली और एग्जिट किया, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो 65 पे लिया, 80 के आसपास बेच दिया, ठीक है। इसमें भी अच्छे खासे पॉइंट मिले इस वाले में भी। और फिर यहाँ पर ये मेरा सी साइड वाला ट्रेड था जिसमें मैंने 3600 क्वांटिटी रखी थी, 1800 एक बार बाई की, 1800 एक बार यहाँ पर 55 पे बाई की, फिर 50 पे एवरेज किया था मैंने और 53 पे बेच दिया, जो कि मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट बन गया था। और इससे पहले तो सुबह मैंने जो ट्रेड किया ही था वो यहाँ पे देख सकते हो, सुबह वाला 1800 क्वांटिटी मैंने ली 64 पे और 71 पे बेच दी, ठीक है। ये मेरा पूरा ऑर्डर बुक है। और काफ़ी लोग कहेंगे कि इसमें ब्रोकरेज कितना लगा है, तो ब्रोकरेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
आज का ब्रोकरेज देख सकते हो, 2119 रुपए का मेरा ब्रोकरेज इसमें लगा है। और ये जो ब्रोकरेज बहुत ही कम लगा है, 2100-2200 रुपए का ब्रोकरेज लगा है इतने सारे ट्रेड करने में, तो सिर्फ इसका जो रीजन होता है वो ये होता है, जो हमारा टर्नओवर बनता है उसके ऊपर हमारा ब्रोकरेज कैलकुलेट होता है। ब्रोकरेज तो हमारा 20 रुपीज फ्लैट लगता है, लेकिन जो STT, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सचेंज चार्ज होते हैं तो वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब हमारा प्रीमियम सस्ता रहता है तो हमारा टर्नओवर बहुत कम बनता है, और जब महंगा हम प्रीमियम बाई करते हैं तो उसमें टर्नओवर जाहिर सी बात है ज्यादा ही बनेगा, तो उस हिसाब से ब्रोकरेज बढ़ जाता है। एक्सपायरी वाले दिन क्या रहता है, प्रीमियम सस्ते रहते हैं तो ब्रोकरेज भी कम बनता है। और जैसे कल फ्राइडे है तो फ्राइडे के दिन प्रीमियम बहुत ज्यादा रहेंगे, तो वहां पर देखना यही चीज हम लेंगे और इतने इतने पॉइंट पे अगर काम करेंगे तो ब्रोकरेज हमारा ज्यादा बनेगा। सिर्फ ये प्रीमियम के ऊपर बात होती है, जितना एक्सपायरी के पास हम आते जाते हैं वहां पर प्रीमियम सस्ते होते जाते हैं, जिसमें हमारा टर्नओवर कम बनता है और ब्रोकरेज भी कम बनता है। एक बात मैंने हमेशा नोटिस की है, जिस दिन भी मैं कम क्वांटिटी लेता हूं उस दिन ज़्यादा पॉइंट बुक करता हूं। जैसा कि आज आपने देखा होगा, जितना भी प्रॉफिट मैंने बनाया, भले ही मैंने बार बार ट्रेड किया है, रीएंट्री की है PE साइड में, लेकिन वहां पे पॉइंट आपको ज़्यादा मिले होंगे। जब भी मैं बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करता हूं तो वहां पे पॉइंट ज़्यादा नहीं निकाल पाता हूं, और ऐसा अक्सर सभी के साथ होता है, क्योंकि जहां पर हमारी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वहां पे हमें बहुत ज़्यादा डर लगा होता है कि बस जल्दी से निकलो, जल्दी से निकलो। लेकिन जब कम क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं हम, तो वहां पे हमें उतना डर नहीं लगता है, क्योंकि जब बड़ी क्वांटिटी से हम काम करते रहते हैं तो हमें आदत पड़ जाती है ज़्यादा लॉस ज़्यादा प्रॉफिट देखने की। और जब हम कम क्वांटिटी से ट्रेड ले लेते हैं तो वहां पे उतना प्रॉफिट भी नहीं दिखता, उतना लॉस भी नहीं दिखता, तो उसको हम थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं बड़े पॉइंट के लिए। तो आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, जब भी आपने कम क्वांटिटी से काम किया है तो आपने बड़े पॉइंट निकाले हैं? और अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों तक मैं कम ही क्वांटिटी से काम करूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब लगातार प्रॉफिट बनते चला जाता है कुछ दिनों तक, तो वहाँ पे हमें हमारे अंदर क्या आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हमारी क्वांटिटी और बढ़ती जाती है, जहाँ पर पॉइंट कम होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ा लॉस छोटा प्रॉफिट होता है। तो अभी मैं क्या करूंगा, कल से कम क्वांटिटी से काम करूंगा कुछ दिन तक, और आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताना जरूर। एक बार प्रॉफिट बनाओ और किल स्विच को ऑन कर दो, इससे बढ़िया चीज नहीं है कुछ भी। और काफी लोग कमेंट करके पूछते हैं ये किल स्विच क्या है, और क्या ये और कोई से ब्रोकर में भी है क्या? तो देखिए, ये जीरोधा में जिनका अकाउंट है, अगर आपका जीरोधा में अकाउंट नहीं है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप अपना जीरोधा में अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये स्पेशली जीरोधा में ही किल स्विच का फीचर दिया हुआ है। एक बार आपने किल स्विच को ऑन कर दिया तो 12 घंटे तक आप F&O सेगमेंट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। किल स्विच का मतलब यही होता है कि F&O सेगमेंट डीएक्टिवेट हो जाता है जैसे ही आप उसको ऑन करते हो। और जब हमारा F&O सेगमेंट ही डीएक्टिवेट हो जाएगा 12 घंटे के लिए, और मार्केट खुला है 3:30 बजे तक, तो हम कैसे उसमें ट्रेड कर सकते हैं? तो ये एक सबसे बढ़िया चीज मुझे लगती है जीरोधा में। अपना प्रॉफिट बन गया या फिर छोटा मोटा लॉस हो गया, किल स्विच ऑन कर दो, ना तो उससे ज्यादा लॉस हो सकता है आपका, ना ही आपका प्रॉफिट जो बना हुआ है वो आपके हाथ से जा सकता है, तो बहुत ही बढ़िया चीज है। और रही बात ओवर ट्रेडिंग पे कंट्रोल करने की, तो देखिए, अगर आप मार्केट में बैठे हो ना चार्ट खोल के, तो आप चाहे कितना भी अपने ऊपर कंट्रोल कर लो वो होता नहीं है, कभी ना कभी आप ओवर ट्रेडिंग कर ही लोगे। और अगर किल स्विच ऑन कर दिया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर तो जीरोधा आपके ऊपर कंट्रोल करेगा, ना कि आप खुद के ऊपर कंट्रोल करोगे। तो किल स्विच बहुत ही बढ़िया फीचर मुझे लगता है। और अब मार्केट में चाहे कितना भी मूव आए, कुछ भी हो, तो ऑफिस में जाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मुझे कुछ काम था तो मैं निकल गया हूँ, कुछ सामान लेके आना है, तो चलते हैं।